हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? नमस्ते। तो जिन लोगों का स्पॉन्ज ऊपर से स्टिकी रहता है, तो उस तरीके से इसको साफ़ कर सकते हो आप लोग। ठीक है जी, कोई बहुत मुश्किल तो है नहीं, आराम से हो जाता है। देखिए, एकदम कितने प्यार से हटा दिया मैंने। ये स्पॉन्ज स्टिकी नहीं है, तो इसको ब्रेड नाइफ से साफ़ कर लेंगे ऊपर से। तो आज हम बनाएंगे 1.5 kg का बटर स्कॉच केक। अब उसके लिए हमें चाहिए वैसे तो 450 ग्राम प्रीमिक्स पाउडर से बना स्पॉन्ज। अब मेरे पास ये दो स्पॉन्ज थे, एक 1 किलो के लिए था, मतलब 300 ग्राम प्रीमिक्स पाउडर से बना हुआ, और एक था 150 ग्राम प्रीमिक्स पाउडर से बना हुआ। पर आप लोगों को तो पता ही है, हम तो सब जुगाड़ करके काम कर ही लेते हैं। तो अब दोबारा एक बार स्पॉन्ज बनाते फिर और टाइम लगता, तो इसलिए हमने, जैसे हम हमेशा करते हैं, काट पीट करके अपना काम शुरू कर दिया है। बटर स्कॉच फ्लेवर यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, साथ में है बटर स्कॉच क्रंच। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबा ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले। आज की वीडियो पे 2000 लाइक का टारगेट रखेंगे, ठीक है? तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, तो फिर इतना तो करना बनता भी है। तो क्रीम की क्वांटिटी मैं लेता नहीं हूँ, मैंने आप लोगों को कई बार वैसे बता दिया है, क्योंकि क्रीम की क्वांटिटी, इतना टाइम नहीं होता कि क्रीम की भी क्वांटिटी ले। स्पॉन्ज का वेट हम कर लेते हैं, बाकी रोज़ जब बनाते रहते तो पता चल ही जाता है। बाकी बीच बीच में हम एक बार स्केल से वेट भी कर लेते हैं केक का, तो उससे क्या होता है, अपना केक एकदम परफेक्ट निकल आ जाता है। चैनल को अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन पे क्लिक कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन के साथ में ही होता है। और क्या कर सकते हो, और आप फॉलो भी कर सकते हो, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी कर सकते हो। तो देख लीजिए कितना आसानी से हमने बना लिया था, यहाँ तक केक क्रम कोट करके। हमारा केक अब है फ्रिज में। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ लेमन ग्रीन कलर। तो मैं आप लोगों के लिए हमेशा ऐसे डिज़ाइन लेके आता हूँ जो आप झटपट बना पाएँ, फटाफट से बना पाएँ, ईजीली भी बना पाएँ। तो ज़रूरी नहीं है कि दुनिया भर का आइटम लगा के ही केक को सुंदर बनाया जा सकता है, एक सिंपल केक भी किस तरीके से सुंदर लग सकता है वो आज हम देख लेंगे, सीख लेंगे। और व्हिपिंग क्रीम की प्रॉब्लम हो रही है बहुत लोगों को, भैया समर्थ आ चुकी हैं, तो जल्दी जल्दी काम करा करें आप लोग भी, क्योंकि हम भी कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी। बट क्या होता है कि हमारे पास ऑर्डर होते हैं, तो हमारी जैसी क्रीम मेल्ट होने लगी, जैसे ये साइड में रखा है पतीला, मेल्ट होएगा, इसमें दूसरी क्रीम ऐड करेंगे, दोबारा विप करेंगे और दूसरा केक पे काम करना शुरू हो जाएंगे। फिर क्रीम ख़त्म हो जाएगी, फिर इसमें और डाल देंगे विप क्रीम नई वाली, फिर इसको फेंट लेंगे। तो इस तरीके से हमारा तो काम चल जाता है। लेकिन जो लोग होम बेकर सभी अभी काम शुरू किए, जिन पे एक एक ऑर्डर ही होता है, उनको मैं सजेस्ट करूँगा जल्दी से जल्दी अपना एक जो केक बना रहे हो उसको फिनिश कर लिया करो, तो फिर आपकी क्रीम में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हमारा एक और चैनल है, आप चाहे तो उसे कर सकते हैं, वैसे पिन कमेंट में मैं उसका लिंक दे दूंगा, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि फिर हम उस पर भी काम करना फिर आगे से शुरू करेंगे। आप लोगों को नॉलेज के साथ साथ कुछ एंटरटेनमेंट जैसा भी हो जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं हमारे बारे में, हमारी फैमिली के बारे में, तो उस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। देखो हमारा केक कितना स्टिफ है, कि टेढ़ा करने पे अभी तक भी नहीं गिरा है। चलिए इसको भगाते हैं साइड में, और ये लगा दी है मैंने इसमें ग्रास नोजल। तो कलर ग्रास का भी सेम है, केक का भी सेम है। आप लोग बस देखते रहो कि कैसे बनने वाला है। साथ ही साथ हॉट ग्लू गन आपको दिख ही रही होगी, मैंने रखी हुई है साइड में ऑन करके, वो भी मैं बताऊंगा कि क्या करना होता है। अभी एक कमेंट आया था कि पेपर लगा सकते हैं, यार आजकल तो सब कोई प्लास्टिक भी लगा रहा है, कोई बांस भी लगा रहा है, अभी तार भी लग जाते हैं, तो सब चीज़ें लग जाती है, वेफर भी लगता है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि नहीं कुछ लगा सकते, हाँ बस अनहाइजीनिक ना हो। अब मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ हो, आपका हॉट प्रोडक्ट है और उसमें नॉन एडेबल आइटम आप डाल रहे हैं, तो वो तो नुकसान करेगा। लेकिन केक क्या है, ठंडा है, उसके साथ तो कोई कुछ रिएक्शन होना भी नहीं है वैसे भी, ठीक है? और वो वैसे भी कस्टमर को बताते हैं कि ये पेपर है, तो वो अपने आप ही निकाल के साइड में कर देते हैं। हॉट ग्लू गन से, बेम्बू स्टिक से अब हम इसको कर रहे हैं स्टिक। टॉपर्स ये मैंने ग्लॉसी पेपर पे प्रिंट कराए। अब ग्लॉसी पेपर भी बहुत लोगों को पता नहीं है, साइबर कैफे पे जाओ, बोल दो कि फ़ोटो वाले पेपर पे ये प्रिंट हमें निकलवाना है, बस आप निकलवा ला। तो
उसके बाद ये हमने कट कर लिया है, क्योंकि शुगर शीट में बनाना एक तो एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि हर आदमी नहीं बनाना चाहता। सिंपल तो वो बना देगा, लेकिन इतने डिज़ाइन विज़ाइन होंगे ना तो बोल देता हमारे भैया प्रिंट ख़राब है। तो इससे अच्छा है कि ऐसा बनवाओ, ठीक है, और अपने टॉपर तैयार कर लो। तो ये देखो सारी टीम लगा दी है मैंने छोटा भीम वाली। अब आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं कॉपी पेस्ट, कोई मुश्किल नहीं है। केक में क्रैक्स आते हैं तो केक के ऊपर हमेशा आप क्या लगाएं, वो न्यूट्रल जेल या पाइनएप्पल जेल, पाइनएप्पल ग्लेज जो भी आता है, जो भी कहते हैं उसे, वो आप लगाओ तो नहीं ख़राब होंगे। और वैसे भी काउंटर में जो केक रखते हैं ना उसमें क्रैक्स आते हैं, बाकी जो ऑर्डर पे बनाते हैं वो तो चले ही जाते हैं, तो उसमें कोई टेंशन नहीं होती है, ठीक है। तो अब छोटे छोटे हम यहाँ पे फ्लावर्स काट रहे हैं, वो फ्लावर्स काट के इस पे लगा देंगे फोंडेंट के। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहो, थोड़ा थोड़ा सामान जोड़ते रहो। हर चीज़ में जुगाड़ तो नहीं चलती है, कुछ चीज़ में आपको वही चीज़ें फॉलो करनी होती है जो रेसिपी है या जो स्टेप है, बाकी बहुत चीज़ों का तो हम जुगाड़ करते ही हैं। और ये बॉक्स मतलब केक कैसे दिया था, केक तो बहुत सिंपल था, दो बॉक्सों को जोड़ा और उसमें लगा के हमने ये दे दिया। अब क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा भी नहीं है तो बहुत बड़ा बॉक्स देंगे तो उसमें हमारा भी लॉस है, क्योंकि महंगा आता है। तो ये देख लो कि कितना सिंपल तरीके से मैंने ये केक बना के रेडी कर दिया है। अब बारी है फोंडेंट से लड्डुओं की टोकरी बनाने की। तो इस तरीके से बनाना है आपको, मैं इस पर थोड़ा सा फोन चार्ज लगा लेता हूँ। किस तरीके से बनाना है, कई बार तो यार ये फोंडेंट ना काला हो जाता है मेरे हाथों से, इसलिए कॉर्नफ्लावर वगैरह डस्ट करके रखता हूँ अपने हाथों में, ठीक है। अब कितने भी हाथ साफ़ होते हैं ना तब भी इतने रफ हैंड्स हैं कि उससे काला हो ही जाता है। जिस तरीके से पराठा बनाते हैं ना उस तरीके से आपको बनाना है और ये आपकी टोकरी हो जाएगी तैयार। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये फोंडेंट की डेकोरेशन या कुछ, कई बार ऐसा होता है गिर सकती है, तो इसके नीचे एक बैम्बू स्टिक आप लगा दो और अपना केक पे लगा दो फिर। तो ये हो गई हमारी टोकरी, अब टाइम है लड्डू बनाने का। अब लड्डू के लिए आप कोई भी कलर ले लेना, मैंने तो यहाँ स्किन फोंडेंट पड़ा था मेरे पास, वही लगा दिया है। तो फटाफट से अपने लड्डू को तैयार करेंगे और हमारा ये केक तैयार हो जाएगा। फाइनल फिनिशिंग मैं लास्ट में आपको अच्छी सी दिखा दूंगा। तो आई होप, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जल्दी से जल्दी हम और ऊपर बढ़ना चाहते हैं। तो ये तो सब चाहते हैं कि आगे बढ़े। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो ज़रूर करें, कोई फोर्स नहीं है, कोई दबाव नहीं है किसी पे, पसंद आए तो कर लेना और फॉलो वगैरह भी कर लेना, और क्या करोगे, लाइक शेयर भी कर लेना, और क्या करोगे, पिन कमेंट भी पढ़ लेना। और तो चलिए बस आज की वीडियो में बस इतना ही। 1.5 kg का केक है, छोटा भीम थीम है, बटर स्कॉच फ्लेवर है, 10 इंच का बोर्ड है। तो और ये आप लोगों के सामने है प्यारा सा केक। तो थैंक यू वेरी मच।